वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऊपर गुरु पे बात कर रहे हैं यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी के सत्रह बीस सत्र के पार्ट थ्री के एग्जाम फॉर्म के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से छात्र भरेंगे यहाँ परीक्षा फॉर्म डेट कब से कब तक है एग्ज़ाम्स कब होने वाला है पूरा रूटीन यहाँ पे आपको बताने वाले हैं क्योंकि अगर आपने अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो उस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को दोस्तों अगर आप सत्रह बीस के पाठ्यक्रम में के सेशन में पढ़ते हैं पार्ट थ्री में और एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे कि जो पार्ट टू का बहुत सारे छात्रों का एग्जाम पेंडिंग है ऐसे में बहुत सारे छात्र यहाँ पूछ रहे हैं कि सर आप जो पुराना मार्कशीट है उसके हिसाब से होगा क्या या फिर अगर पार्ट वन का ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ है तो पार्ट थ्री में एग्जाम्स पार्ट थ्री में का एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका पार्ट वन का कुछ पेंडिंग है तो आप नहीं भर पाएंगे लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप भर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए चाहे आपके पास पी फॉर्म में ही है अगर आपके पास ऑनलाइन रिज़ल्ट ही है वैसा नहीं है वैसे मिल रहा है आप जाके ले सकते हैं और दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे वो आपके पास होना ज़रूरी है कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है और अगर बात करें कि एग्ज़ाम्स कब होगा वो भी नोटिफिकेशन में साथ में जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे दोस्तों आपको बता दूँ सात जुलाई से तेरह जुलाई तक एग्ज़ाम फॉर्म्स जो हैं वो भरने वो भरे यहाँ पे जाने वाले हैं आप कभी भी जाके एग्ज़ाम फॉर्म कहीं पे किसी भी साइबर कैफ़े में जाके भर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और क्या फ़ी लगेगी टोटल चीज़ें आपको बताने वाले हैं अगर आप दोस्तों सामान्य जनरल वर्ग से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पे टू सिक्सटी फाइव रुपीज़ दो सौ पैंसठ रुपये लगने वाले हैं बाकी अन्य सभी वर्गों के लिए यहाँ पर लगने वाला है आपका टू हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज़ इसमें आपका यहाँ पे काम हो जाएगा और क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कब से एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपका प्रवेश पत्र अवश्य आपके पास होना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट होना चाहिए जो कि कंपलसरी है आपका उसके बगैर यहाँ पर नहीं हो सकता कुछ लोगों का पेंडिंग है तो अगर उनके पास वो मार्कशीट है जो कि पुराना वाला है तो उसमें भी जो चीज़ें हैं वो आपका वहाँ पे मांगी जाएंगी बाकी चीज़ें ठीक है लेकिन वहाँ पे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्स में रजिस्ट्रेशन करा लेना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन और पार्ट वन का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है आपका कोई भी एग्ज़ाम जब होता है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाता है पार्ट टू का भी रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाता है तो वो चीज़ होना और फ़ोटो होना आपका आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अब हम कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों यहाँ पे जैसा कि अगर आपने उस नोटिफिकेशन को देखा और नोटिफिकेशन हमारे सभी के सभी जैसे कि हमारा फेसबुक ग्रुप जिसमें कि जे पी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हमारा टेलीग्राम ग्रुप ये सभी के सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके तुरंत जुड़ जाइए बहुत सारे छात्र वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाती है और बाकी कोई भी अपडेट अगर आता है जे यूनिवर्सिटी से तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज़ तुरंत सबसे पहले दे दी जाती है तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगर एग्ज़ाम्स के कि एग्ज़ाम्स कब से होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स अगस्त के सेकंड वीक से यानी कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और एग्जाम्स कभी भी दूसरे सप्ताह से कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं एकदम सेकंड वीक से कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं इसलिए तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए यहाँ पर तो दोस्तों मिलते हैं जैसे कोई भी नया अपडेट आता है जयप्रकाश विश्वविद्यालय से उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार